performance. Yeah, I'm nominated for Razi, so I'm here. That it's homecoming and also 20 years hai IFA ka, so it's a very very big deal. So congratulations to the whole IFA team, Andre, Viraf, everyone. Yeah, and actually bahut khushi ki baat hai ki 20th year mein homecoming pe hum Mumbai aaye hain. It's raining but I hope it was not raining, hum log aise sab gown pakad ke chal rahe hain, but yahan pe shade hai to theek hai. But I saw some people walking around in the rain and itna bada production hota hai to, you know, get an award function together, so I just wish it wasn't raining, but anyway. जी मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी आई थिंक न्यूयॉर्क में जब हुई थी, क्योंकि मेरा पहली बार था और मैंने लाइव परफॉर्म किया था सबके सामने, इट वॉज अमेजिंग, और उस साल में मुझे अवार्ड भी मिला था, सो दैट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट स्पेशल मेमोरी. एक्चुअली दिस इज माई सेकेंड ईयर अटेंडिंग आईफा ना, या सेकेंड ईयर. मैं एक बहुत पक्की ऑडियंस हूँ, मुझे सारे परफॉर्मेंस देखने में बहुत मज़ा आता है. आई नो रणवीर इज परफॉर्मिंग, उन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं, सो इस परफॉर्मेंस विल बी आउटस्टैंडिंग. आई नो एवरी वन, सारा, विकी, सलमान, कटरीना, लाइक आई वुड लाइक वॉन्ट टू सी ऑल परफॉर्मेंसेज. यू हैव बीन आल्सो नॉमिनेटेड फॉर मोस्ट इंस्पायरिंग एक्ट्रेस आल्सो, ऐसा पता चला कि एक ऑनेस्टली इट केम टू मी एज अ कम्प्लीट शॉक. मैं ऑलमोस्ट जब मुझे भेजा गया था आई थॉट इट वाज अ जोक, बट आई डोंट नो, आई फील अमेजिंग, लाइक इट फील्स लाइक अ वेरी सरियल थिंग टू बी नॉमिनेटेड इन दिस कैटेगरी विद, यू नो, एंड इट्स ऑल्सो फ्रॉम एशिया अलॉन्ग विद सो मेनी अदर वेरी वेरी, यू नो, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज. So मैं खुशी हूँ and it's nice to be inspiring. I hope I'm inspiring. मेरा मानना है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. वैसे कहते हैं अगर भगवान को हंसाना हो तो उनको अपने प्लान्स बता दो, प्लान्स नेवर रियली गो एज पर प्लान, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट आई एम गोइंग टू वर्क विद संजय लीला भंसाली वेरी सून. थैंक यू सो मच, थैंक यू, होपफुली विद सीता. शानदार शानदार शानदार.